काले रंग के कपड़े से मुंह ढकी हुई इस महिला के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। जी हाँ, करीब 10 दिन पहले इसके 5 साल का बेटा कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया, जिसके बाद बेचारी इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन जब आप सच सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, क्योंकि इसके बच्चे को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये खुद है, और इसके लिए इसने अपने प्रेमी को चुना। प्रेमी के साथ अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाली इस महिला के पास पैसे नहीं थे, जिसके लिए इसने अपने बच्चे को अगवा करने का ही प्लान बना डाला और फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की। FB पे हुई थी हमारी दोस्ती। FB तो क्या इससे पहले मांसू थोड़ी सी नहीं चली? तो क्या इससे पहले आपके परिवार से भी जुड़ा हुआ था? नहीं। किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग बनाई थी? आगे क्या करना था? मतलब जो आपका फ्रेंड था जिसने किडनैप किया था, वो आपको कैसे सैटिस्फाई किया था कि आपका बच्चा सुरक्षित है? आपको चिंता थी बच्चे की? नहीं थी चिंता? आपको उम्मीद थी कि सुरक्षित रखेगा? आप लगातार बात कर रही थी, कैसे जो भी भेज रहा था उसको आपकी लगातार कैसे कैसे कहाँ रख रहा था? नहीं, वीडियो नहीं भेज रहा, नहीं भेज रहा था। तो आगे फ्यूचर में क्या सोचा था इस लड़के के साथ आपने? मैंने कुछ नहीं, मैंने यही सोचा था कि मैं अपने बाबू का अलग, मतलब कोई अलग, हम अपना बिजनेस खोलेंगे और अपने बाबू को अलग से वो करेंगे। तो शादी करनी थी इस लड़के से आपने, फिर मतलब 30 लाख रुपए जो आपने मांगे थे उससे क्या करने का? यही बिजनेस करने का ही था कि बिजनेस करेंगे और मांग देता बच्चे को, फिर प्लॉट वगैरह। आपको चिंता थी कि सुरक्षित है आपका रहेगा, आपको उम्मीद थी बच्चा? 30 लाख रुपए घर में कहाँ से आएंगे, क्या प्लानिंग बनाई थी ये बताइए कि पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? आपका पति कहाँ से पैसे लेकर आएगा? कोई आपने पहले से जानकारी थी आपको? नहीं, पति के पास नहीं। कहाँ से आने का? दरअसल घर वालों ने बच्चे के अगवा होने की जानकारी जब पुलिस को दी तो पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई। पुलिस को डर था कि कहीं किडनैप करने वाले बदमाश बच्चे का मर्डर ना कर दे। पुलिस दिन रात एक करके जांच में जुट गई, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब पुलिस की सारी बातें बदमाश तक पहुंचने लगी। लेकिन जब पुलिस ने जांच को गोपनीय रखते हुए बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया तो हकीकत कुछ और ही निकली। मुरादाबाद में एक किडनैपिंग हुई थी जिसमें रैंसम कॉल आ रही थी, 30 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी छोड़ने के एवज में, और इसमें हम लोगों ने अगले ही दिन बच्चे को सकुशल गाजियाबाद से बरामद कर लिया था। शुरू से ही ये शक था, केवल पुलिस टीम इसलिए ज़्यादा सतर्क थी कि कहीं बच्चे का मर्डर ना हो जाए, क्योंकि इसमें फैमिली के बहुत ही क्लोज लोग शामिल थे और लगातार सूचनाएं लीक कर रहे थे, किडनैपर तक बता रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत ही सतर्कता के साथ इसमें काम किया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इसमें दो लोग तेलंगाना के निकल के आए, जिसमें एक अशफाक है जो इस यहाँ तक आया था, गाड़ी से आए, फिर नोएडा ले गए और फिर वहाँ पे बच्चे को छोड़ा था। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी आया कि जो बच्चे की माँ है फेसबुक के जरिए अशफाक के संपर्क में आई थी और लगातार इन लोगों की चैटिंग होती रही पिछले 2 साल से। कई बार अशफाक यहाँ पे आया, कभी रामनगर, कभी मेरठ, यहाँ होटल में रुका, इवन इनके घर के बगल में किराए पे भी करीब 15 दिन के आसपास रहा, तो बच्चा उससे भी परिचित हो गया था। और इन लोगों की प्लानिंग थी कि इनको पैसे मिल जाएंगे, तो इसमें जो महिला है ये पैसे लेकर के अशफाक, चूँकि पैसा उसको मिल जाएगा, वो महिला के साथ चले जाएंगे लोग हैदराबाद, वहाँ रहेंगे, वहाँ जिम खोलेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। इसमें माँ का रोल है, अशफाक एक जो इनके प्रेमी हैं तेलंगाना के रहने वाले हैं, ऑलरेडी पुलिस टीम ने 6-7 दिन पहले ही इनको तेलंगाना में अरेस्ट कर लिया था, सारे एविडेंस प्रस्तुत किए गए और इनको हम लोग 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पे ले आए थे। रिमांड की अवधि चूँकि पूरा हो रही है, लोग आने में इनको टाइम लगा, तो इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये कोई इस तरह का प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है, सिर्फ ये प्रेम संबंधों और एक दूसरे से शादी करने के लिए ये सारी प्लानिंग रची गई थी, और मार्च के महीने से ये चीज़ शुरू हो गया था। इसके पीछे वजह ये थी कि महिला संतुष्ट नहीं रहती थी अपने पति से, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी में भी कोई अधिकार नहीं मिला था, अपने नाना के यहाँ रहते थे, और इनकी जानकारी में था कि इनके मौसी के पास पैसा है और इनकी जो सासू है उन्होंने भी प्लॉट बेच के 12 लाख रुपये ले रखे हैं। बिल्कुल भी ये इन लोगों का उम्मीद नहीं था कि पुलिस में मामला जाएगा, क्योंकि महिला ने एक भी बार, 4 घंटे हो गए किडनैपिंग को, कहीं ना पुलिस में फ़ोन किया ना अपने पति को फ़ोन किया था। पति जब वापस आया, जब जैसे ही उसको पता चला कि बच्चा गायब है, तो उसने ढूंढा, पुलिस में फ़ोन कर दिया,
पुलिस में फ़ोन करने के बाद जब पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो महिला ने जिस जो इनके प्रेमी थे उनको बता दिया और वहीं से रैनसम कॉल शुरू हो गई। इसमें VOIP कॉल के माध्यम से किया गया था। सेम VOIP कॉल से महिला को मार्च के महीने में भी कॉल किया गया है। ट्रायल किया जा रहा था कि ये कॉल लगता है कि नहीं लगता है। तो हमारे पास सारे 65B के सर्टिफिकेट सहित CCTV फुटेज सहित रिकॉर्डिंग सहित यहाँ पे होटल में जहाँ पे आके रुके थे वहाँ के CCTV फुटेज हैं, वहाँ के रजिस्टर में नाम है, ओयो कंपनी में बुक कराया था उसके 65B के सर्टिफिकेट है, टोल के सारे हैं, गाड़ी भी रिकवर हुई है, जो गाड़ी लेकर के आए थे उसके भी फुटेज हैं। इवन गाड़ी में जिस दिन गाड़ी आई थी उस दिन महिला खुद जा करके सुबह के समय उस गाड़ी में बैठी थी। फाइनल प्लानिंग वहाँ रामलीला ग्राउंड में हुई, गाड़ी के अंदर उसके भी फोटोग्राफ्स इन लोगों ने अपने अपने फ़ोटो भी खींचे थे। तो केस बिल्कुल क्लियर है। बस ये जो घटना है ये बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ हुई है, जो सामाजिक रूप से जिसको स्वीकार करने में भी थोड़ा सा एक चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके माध्यम से हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि हम जहाँ भी रहें, जो कितना भी हमारा करीबी कोई आदमी हो, तो हम हमेशा अपने आँख नाक कान जरूर खुले रखें कि ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। इस पूरी दुनिया में बच्चा अपने आप को अपनी माँ के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है, लेकिन एक माँ ही जब कलयुगी माँ बनकर अपने बच्चे की जान की दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। मुरादाबाद से न्यूज़ के लिए मोहम्मद दानिश की रिपोर्ट।